पारशिवनी शहर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले आने से शहर के हालात बिगड़े हुए हैं। शहर में कोरोना के मरीज को उचित उपचार नहीं होने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ हो रही है, जहां यहां के डॉक्टर्स जितना हो सके उतना उपचार का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोरोना संक्रमित रुग्ण आए दिन बड़ी परेशानी का सामना करते नजर आ रहे हैं। बाजारों में 3 दिन से दुकानें बंद होने से खरीददारी भी पूरी तरह बंद है। भयानक परिस्थिति से निपटने के लिए शहर में मरीजों की संख्या को देखते हुए यहां पर प्रशासन ने तुरंत कोविड सेंटर का निर्माण करना आवश्यक है। नागपुर में मरीजों के उपचार के लिए व्यवस्था नहीं होने से आखिर यहां के कोरोना मरीजों पर कहां इलाज किया जाए, यह सवाल बना हुआ है। प्रशासन अब भी यह स्थिति से निपटने के लिए कमजोर साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके लिए नागपुर शहर में इलाज करवाना नामुमकिन होने से पारशिवनी का ग्रामीण अस्पताल ही एकमात्र उपचार के लिए होने से यहाँ पर आना पड़ रहा है, जहाँ पहले से ही बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए यहाँ के डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। फिर भी जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता उनके लिए बड़ी मुसीबतें पैदा हो रही है। कोरोना बीमारी से मरने वालों की भी संख्या में दिन ब दिन इजाफा होने से यहाँ पर डर का माहौल दिखाई दे रहा है। ग्रामीण तथा शहर के कोरोना मरीजों के लिए शहर में नवनिर्माण मांग संवंगीय वस्ती गृह में कोविड सेंटर में निर्माण किया जाए, जो कोरोना मरीजों के उपचार के लिए कारगर साबित हो सकता है। इस तरह की मांग गौरव पनवेलकर, नीता इटनकर, दीपक पालीवाल, दिवाकर भोयर, संजय कुंभलकर, राजेश कुंभलकर, जलीम शेख, नरेश भिवगड़े, अशोक कुते, हरीश खिलोसिया, प्रकाश भूते और नगर वासियों की ओर से मांग की जा रही है। मी अर्चना मंगल, मुख्य अधिकारी नगर पंचायत पारशिवनी। आपल्या सर्व नगर पंचायत पारशिवनीच्या शहरवासियांना मला एक महत्त्वपूर्ण संदेश द्यायचा आहे। आपल्याकडे जो कोविडची दुसरी लाट आलेली आहे आणि त्याचा जो प्रादुर्भाव वाढलेला आहे तो अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे। आपण सर्व हे जाणून आहात, परंतु कुठेतरी आपल्याला ते आपण स्वीकारायला तयार नाही की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्याचा प्रादुर्भाव होतो आहे। खरं सांगायचं म्हणजे कुठेतरी आता प्रशासनाची व्यवस्थासुद्धा कोलमडायला आलेली आहे, तेव्हा या कोविडच्या काळात आपण स्वतःची कशी काळजी घ्यायची हे आता आपल्याला ठरवायला पाहिजे। जेव्हा आपण म्हणतोय की मी पॉझिटिव्ह आहे किंवा आपल्या घरातले काही लोक पॉझिटिव्ह निघतात, तर या लोकांची काळजी तुम्हाला स्वतःला घ्यायची आहे। आज दवाखान्यांमध्ये, मेडिकलमध्ये किंवा प्रायव्हेट किंवा खाजगी दवाखान्यांमध्ये बेड, कुठल्याही प्रकारचे बेड उपलब्ध नाही, तेव्हा आपल्या घरचे जे काही पेशंट आहे त्यांची काळजी तुम्ही स्वतःला घ्यायची आहे।